मां के खबर दींदा हलूं त सिंध जे महान ॾाहे अदीब लेखक महकक उस्ताद हकीम इमाम बख्श मंगरियो सां शहीद मखदूम अब्दुल रहीम गिरोड़ी पब्लिक लाइब्रेरी खिपरो में उस्ताद अदीब फोरम तरफ़ां हिकु शाम मल्हाई वई है। उस्ताद हकीम इमाम बख्श मंगरियो जी अदीब दुनिया में हिन वक़्तु 16 अदद किताब लिखी सिंधी क़ौम खे हिकु वॾो अहसान कयो है। असांजे समाज में शौर जी लाट खे ऊचो कयो है। उस्ताद हकीम इमाम बख्श मंगरियो के सकाफत खाते यंग राइटर्स फोरम पारां सिंध रानी अवार्ड मिलण ते एक बेहतरीन काबिल फख्र जेड़ी गाल है। प्रोग्राम जी सदारत तालका एजुकेशन ऑफिसर खिपरो मोहतरम साईं अरबाब अली समे जो कई है। एजाजी मेहमानन में लतीफ़ एवार्ड याफ्ता लेखक उस्ताद लिगारी अकबर एस मंगरियो वली मोहम्मद वली एम जुमन कुंभर मुमताज बोजदार बिन हकीम इमाम बख्श मंगरियो की सालगिरह मञता डेण दौरान पंहिंजे ख्यालन में चयो आहे त उस्ताद साहब हिकु गरीब पोरे तबके जे घर में जनम वरितो जंहिं पंहिंजे कलम जी नोक ज़रिए इलाइक़े जे मारूड़नि जे ॾुख सूरनि जी ॻाल्हि कई है। संदुस शायरी में थर जे मारूड़नि झांगीड़नि सांगीड़नि जे पीड़ाइनि जो ज़िक्र थियल है। प्रोग्राम में शायर मनवर मला सुहिणो लाशारी रमज़ान कसीम समे जो सालम समे जो ॿुधाई परदेस में जो दस्तान कई वींदा निहारी थो मथे हर हर मरी मेहरबान कई अजब दर्शन अजीबन जा खता कन था खतीबन के दिसन जे प्यार मा हेकर त लही अरमान कई वींदा निगाहन जे निशानन सा मरी मस्तान कई रख समया लगो आसमा जी वही रख समया वाह ना जड़ी जा रही रख समया वाह रिदम में दखन जी हवा थी घुले अज रिदम में दखन जी हवा थी घुले अज लगे थो हवा भी ठही रख समया हवा ना जनी जा रही रख समया लगो आसमां जी वही रख समया असर जो सखी का नहीं थी विलोड़े वाह असर जो सखी का नहीं थी विलोड़े बदन सा दखिए जी मही रख समया वाह पहलो दिया हवालो उस्ताद शायरी में लेखित घणो निरालो उस्ताद शायरी में जॾहिं त मशहूर अलगोज़े नवाज़ सलीम बोज़दार बीनन सां प्रेम सागर गीतन सां आदी बख्श भंबरो वाही पेश करे प्रोग्राम के गरमाए छड़ियो है। मुबारक मथे नेण तू कण मथे नेण तू कण जन्म दिन मुबारक जन्म दिन जन्म दिन जन्म दिन मुबारक तदे ते उस्ताद अदबी फोरम खिपरो पारा मेहमान खास के अजरकन गुलन जा तोहफा पेश कया वया। आज का जो प्रोग्राम हुआ है वो हकीम इमाम बख्श मंगरियो साहब जिनको अवार्ड शहीद रानी अवार्ड दिया गया है उसकी निस्बत से आज प्रोग्राम शहीद अब्दुल रहीम गिरोड़ी लाइब्रेरी में उस्ताद अदबी फोरम के हवाले से मनाया गया है। और हकीम इमाम बख्श मंगरियो साहब बेहतरीन अदीब भी हैं बेहतरीन उस्ताद भी हैं और बेहतरीन समाज सुधारक भी हैं और वो इस अवार्ड के मुस्तहिक भी हैं। हकीम इमाम बख्श मंगरियो साहब ने 16 किताबें मुख्तलिफ जो मकतब फ़िक्र से लागब हैं उन्होंने मुरतब की हैं और उसके अलावा उसके खिदमात जो हैं अदब और शायरी के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा हैं तो हम उसको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद भी देते हैं कि वो इस इन चीज़ों के मुस्तक थे। आज जो है मेरी 56 सालगिरह भी थी तो उसके साथ साथ जो है मुझे जो सिंध रानी अवार्ड मिला है इसके शान में ये जो दोस्तों ने प्रोग्राम किया है मैं उन सारे दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ और इंशाल्लाह मैंने जो भी कलमी मेहनत किया उसके एवज़ में ये मुझे अवार्ड भी मिले हैं और भी मुझे काफ़ी अवार्ड मिले हैं और मेरा ये ही अज़म है कि मैं आइंदे भी मेहनत करूँगा तो इंशाल्लाह जो है मुझे मेहनत का फल
ज़रूरी मिलेगा। हकीम इमाम बख्श मंगेरियो अदीब ए लेखक महान डाओ मोक है जैके अज मखतूम शहीद अब्दुरमी गिरोड़ी लाइब्रेरी हॉल खिपरो में एक मंता नी वही उन मंता जो सभी सोरह किताबन जो खालिक है जैके सिंध रानी अवार्ड से नवाजे वो यंग राइटर्स फोरम सकाफत खाते तरफा जी सिंध जहाँ जी अदीब दात धनी कलम धनी वो सिलेक्शन जो क्या हुआ सिंध में उन हकीम इमाक्ष मंगेरियो एक अस चाहूँ था सिंध जहाँ अड़ा अदीब लेखक दानश्वर डहा कलम धनी जिन पैं अंदर की जोत जलाए पैंजी जहानत से पैं कलम की नोक से एडो वो कम किया अस चाहूँ था उस्ताद हकीम इमाम बख्श मंगेरियो उनको कलम कदें कान्यारो न थी कलम की नोक जी उन अस खिपरे के सांगड़ के अछड़े थरवासन के इतना के थरी मू सागिण जहा दुख सूर दर्द तकलीफू पैं कलम की नोक जरिए लिख रहे सदन ती किताब उन लाइब्रेरी सूह हूँ इंदर नसुल असन उ मवाद पढ़ा किताब पढ़ा अस चाहूँ था उस्ताद हकीम इमाम बख्श मंगेरियो जड़ा बया खिपरे जो कलमदणी उन अल्लाह से सग दे तो इतना के बुनियादी मसला जो असा उनकी निशानदी कर इमाम बख्श गुण रखी रुखी शख्सियत है जिनका घना पासा अगर तालीम के हवा दिखो वे तो उनको साई तमाम बेहतरीन कम थल है अगर अदब के हवा से दिखो वे तो उनके न सिर्फ सिंधी तखलीक के अवाम में पेश किया है पर मुख्तलिफ शायर जो लिखल शायर उ शायर जैं वट माली पोच को उन्होंने पूरे वो सहेड़े मेहनत करे रात उजाग कर वो मंजराम से आंदो है पंजे हणा वणा खर्च कर यो तमाम वो कम है अस जस दूँ साई के अड़ा अगर असे तालके मू पैदा थी वन तो असो ये तालको बिल्कुल शाहकार मजीद खबर तफसीलत विजिट करेबसाइट www.awaminewshd.com डॉट कॉम रहो अवामी न्यूज़ HD।